हेलो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू इंफिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य हाउ आर यू ऑल फटाफट से अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो हाय तालि गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ आर यू एवरीवन हु इज़ वाचिंग द सेशन फटाफट से अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो सो दिस इज डॉक्टर प्रियंका डे योर जुआलॉजी फैकल्टी जैसे आपको पता है वी आर हियर विद अ न्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप्स एंड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो हाई गीतांजलि हेलो अखिल हेलो गुड आफ्टरनून बी द बेस्ट यू कैन टेल मी योर नेम हाई नीर गुड मॉर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ आर यू हाउ आर यू सो आई होप यू गाईज ऑलरेडी नो मी राइट सो आई एम जोआलॉजी फैकल्टी हेयर इन इन्फिनिटी लर्न पहले भी बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होप यू रिमेंबर राइट एंड आई थिंक यू माइट बी एक्साइटेड टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम मी यस यस ध्या ध्यानेश्वरी वेरी नाइस वेरी नाइस, सो मेदा मैम इज़ स्टिल हेयर मेदा मैम इज़ स्टिल हेयर बट इस सीरीज़ में आप मुझसे पढ़ने वाले हो अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एग्जाम आने वाला है प्रिपरेशन कैसे करें क्या हमें स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है या सिर्फ हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आर मार्क्स कैसे हमें ये सारे दिन जो बचे हैं एग्जाम के लिए उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है ताकि अल्टीमेटली योर मार्क्स शुड बी इंक्रीजिंग राइट मैं केमिस्ट्री हरे नहीं मैं तो स्टार्टिंग से इस पढ़ाती हूँ आई हैव अराउंड इलेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग जुअलॉजी फॉर नीट इज एंटेड यस yes, जय श्री राम बच्चा जय श्री राम ओके सो बिगिनिंग विथ माई सेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि वॉट इज़ द मोटिव ऑफ दिस सीरीज मैं आपको कैसे और क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ एंड वाई दिस सीरीज इज इम्पॉर्टेंट बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग देशन ठीक है लाइक like कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो ओके नाउ रिमेंबर इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पर सब टीचर्स आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे वॉट डिफरेंस दे आर मेकिंग सो रिमेंबर वी आर डूइंग प्रॉपर रिसर्च ये जो माइंड मैप्स हम आपके पास लेके आ रहे हैं ये सारे माइंड मैप्स आर वेल रिसर्च बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट आर आज इन नीट जुआलॉजी तो हमको बहुत ईजी लगता है बट हैव यू सीन द प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इजेंट इट आपको नहीं लगता कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है पेपर जो है थोड़ा लेंदी होते जा रहा है बट हमको तो सारे टीचर्स बोलते हैं कि हमें 30 मिनट्स में 45 मिनट्स में बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्व करना है इजेंट इट लगता है ना आपको कि लेंदी आ रहा है अब तो पेपर पर 30 मिनट्स में 45 मिनट्स में हम कैसे करने वाले पूरा बायोलॉजी सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट टू ताकि आप अपने टाइम को दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बचा के रख पाओ फिजिक्स में काफी टाइम लग जाता है तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो केमिस्ट्री में आप यूटिलाइज कर सकते हो बाकी का टाइम सो व्हाट माय मोटिव विल बी ओके ओके नाइस वेरी नाइस तो मेरा मोटिव है क्या यस yes, गीतांजलि मेरा मोटिव है टू प्रिपेयर यू फॉर नीट ऑब्वियसली अब ये टाइम नहीं है कि हम सब कुछ बेसिक से पढ़ें

सो दैट यू विल बिकम प्रो इन सॉल्विंग क्वेश्चन इन नीट कैसे जल्दी सॉल्व करना है कैसे आपको अपना टाइम सेव करना है टूगेदर विद द एक्यूरेसी सो एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट सो आई यू रेडी सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज एनिमल किंगडम तो मैंने पहला चैप्टर पिक किया है एनिमल किंगडम जिसमें काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन इट कौन से एग्जाम्पल को याद रखना है कौन से एग्जाम्पल्स को हम नहीं भी याद रखेंगे या कॉमन नेम्स नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आर्ज इन नीट कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से सो दिस इज अ कम्प्लीट पैकेज सो आज के आपके सेशन में पूरा एनिमल किंगडम हो जाएगा कम्प्लीट रेडी एवरी वन चलो बैकलॉग बैकलॉग सारे क्लियर हो जाएंगे बच्चा एनिमल किंगडम से आई एम स्टार्टिंग सो आई एम मेकिंग शोर ईच एंड एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड इन द सेशन रेडी अच्छा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू की ना सिर्फ मैं आपको माइंड मैप दूंगी नॉट ओनली आई विल बी गिविंग यू माइंड मैप बट आई विल ऑल्सो भी टेलिंग यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ माइंड मैप योर सेल्फ आप खुद कैसे माइंड मैप बना सकते हो उसके लिए भी मैं आपको प्रिपेयर करूंगी राइट बिफोर दैट प्लीज सी दैट वी हैव स्टार्टेड नी ट्वेंटी फोर सक्सेस बूस्टर सीरीज सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नी ट्वेंटी फोर यू कैन ज्वाइन दिस ओके सो यस बेटा सो वॉट माई सीक्वेंस विल बी रिमेंबर आई विल बी पिकिंग अप ग्रेड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ चैप्टर नेट मैनर सो फर्स्ट आई विल भी टेकिंग ग्रेट इलेवेंथ देन ट्वेल्थ अगेन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सो हम ऐसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे जो है पढ़ने वाले हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे सो रेडी एवरी वन रेडी सो माई माइंड मैप्स विल भी हैंड रिटर्न ठीक है एंड प्लीज मेक श्योर देट यू आर राइटिंग विथ मी मैं जो भी बना रही हूँ बोर्ड पर जो भी लिख रही हूँ मेरे साथ बनाऊ माइंड मैप संभाल के रखो टिल योर एग्जामिनेशन रेडी तो वेन आई टॉक अबाउट एनिमल किंगडम चैप्टर ओके सभी को मेरे साथ ये माइंड मैप बनाना है रेडी सो so जब मैं बात करती हूं एनिमल किंगडम चैप्टर की There are three parts of the chapter from which questions are asked. And roughly you will see that three questions are asked in NEET. One will be from basis of classification, one will be from non core data, and another one will be from core data. So Let's divide. Okay. Our chapter right into three parts. One is बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में ठीक है नेक्स्ट इज नॉन डेटा जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में एंड थर्ड वन इज डेटा ठीक है यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में ठीक है मेरे साथ बनाते रहना है सबको एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट जस्ट लेट मी नो आई विल हेल्प यू आउट राइट जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की वी हैव स्टडीड सिक्स सिक्स पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस फाइलम्स एंड वी नो दैट असल छह तो नहीं है इसके ज्यादा ही है बट सिंस इट इज देयर इन द एनसीईआरटी सो वी विल राइट ऑल द सिक्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम विच क्वेश्चन आर आज इन नीट तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कीप्ड इन एनी फाइलम विल बी हैविंग सम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो या तो उसके बॉडी में सिर्फ सेल्स होंगे और द सेल्स आर फॉर्मिंग टिश्यूज या टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन या होगा ऑर्गन सिस्टम सो first basis of classification that is there for your neat examination is level of organization right that could be cellular tissue level organ or organ system level of organization now from here two questions are asked one will be tissue level of organization kis mein hota hai और दूसरा पूछा जाता है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस आई विल बी राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आर आज इन एग्जाम सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द इम्पॉर्टेंट वन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन नाइडेरिया एंड टीनोफोरा कमेंट इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी आपको कमेंट भी करते जाना है यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर राइट सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा इन नाइडेरिया आई होप एवरीबडी कैन सी दिस एंड टीनोफोरा ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आज इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन जस्ट वन फाइलम कैन यू नेम दैट फाइलम एवरी वन नीर गीतांजलि दुष्यंत अखिल तालिब जल्दी बताओ सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू विल सी इन प्लेटी हेलमेंस ओके एक ही फाइलम में आपको मिलेगा ये वेरी गुड राइट नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट जिसके बेसिस पे वी आर क्लासिफाइंग एनिमल्स इनटू वेरियस फाइलम्स इज जर्म लेयर ऑफ एर्गेनाइजेशन सो देर आर थ्री जर्म लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके कितने हैं तीन ही है रिमेंबर uh, तीन है कि दो है सो एनिमल्स कैन बी आई द डिप्लो ब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक या तो डिप्लो ब्लास्टिक हो सकता है या तो ट्रिप्लो प्लास्टिक हो सकता है तीन जर्म लेयर्स हो सकते हैं या टू जर्म लेयर्स हो सकते हैं वेरी गुड नाउ द क्वेश्चन दैट इज आज एन एग्जामिनेशन इज अबाउट ट्रिपलो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई सिलोम नहीं होता है सो लेट मी राइट दिस द ओनली क्वेश्चन आज डयर इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ओके दैट इज ए So, कौन सा है ऐसा ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम दैट इज ए सीलोमेट इट इज अगेन द सेम फाइलम दैट इज प्लेटी हेलमिंस सो प्लीज राइट इट विथ मी प्लेटी हेलमिंस की अगर हम बात करें सो दोज आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट राइट द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सीलोम नाउ इन सीलोम वी नो द ऑर्गेनिज्म कैन बी आईदर ए सीलोमेट या तो सीलोम नहीं होगा और द ऑर्गेनिजम कुड भी स्यूडो सीलोमेट फॉल सीलोम होगा और द ऑर्गेनिजम कुड बी ट्रू सीलोमेट और यू सीलोमेट याद रखो सीलोम इज ओनली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स हु आर आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक सो सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही सीलोम होगा राइट नाउ द फर्स्ट ट्रू सीलोमेट सीलोमेट और यू सिलोम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट विल बी एनेलिटा ठीक है बट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्मोमेट सो येस सो स्यूडो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म और फॉल्सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन होगा बच्चो ूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन होगा इट विल बी द ओनली फाइलम दैट इज एस खेल ओके एस खेल सो प्लीज राइट दिस डाउन विथ मी एस हेल जिन्हें निमेटोडा

क्या है स्टार क्वेश्चन सेगमेंटेशन क्या होता है सेगमेंटेशन एंड यू विल गेट द सेगमेंटेशन सो सेगमेंटेशन इज वेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टा इन एनी एनिमल नाउ इन दिस सेगमेंटेशन यू विल सी दैट द ऑर्गन्स और नंबर ऑफ ऑर्गन्स विल बी रिपीटेड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेटामेरिज्म स्पेसिफिकली इन एनिडा अब ये सेगमेंटेशन एक्सटर्नल हो सकता है इंटरनल हो सकता है या दोनों हो सकता है राइट सो कैन यू नेम द थ्री फाइलम्स दैट विल शो सेगमेंटेशन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट वेरी गुड सो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन थ्री फाइलम्स राइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का एनेलिडा आर्थ्रोपोडा

मोलस्का में देर इज नो सेगमेंटेशन ओनली एनेलिडा आर्थरोपोडा एंड कॉडेटा विल बी सेगमेंटेड गेटिंग माई पॉइंट ओके नाउ द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटो कॉड ओके नेक्स्ट कौन सा है नोटो कॉड है सो वेन वी टॉक अबाउट नोटो कॉड ओके द ओनली क्वेश्चन दैट विल बी आज हियर

ज अ रॉड लाइक ऑर्गन स्ट्रक्चर विच इज मीजोडर्मल इन ओरिजन सॉलिड स्ट्रक्चर है और यह क्या करता है इट सपोर्ट द बॉडी ऑफ एनी एनिमल ठीक है तो जिन ऑर्गेनिजम में नोटोकॉड होता है वी कॉल द मेस कॉडेटा जिसमें नहीं होता है वी कॉल द मेस नॉन कॉडेटा सो नोटोकॉड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर डे ठीक है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी द सिमेट्री ओके मैम वेंट्रल डॉर्सल में प्रॉब्लम होता है बेटा बहुत सिंपल है अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है दिस इज द डॉर्सल सरफेस एंड दिस इज द वेंट्रल सरफेस अगर वो ऑर्गेनिज्म सीधा है दिस इज द वेंट्रल सरफेस दिस इज द डॉर्सल सरफेस एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिस इज द इंटीरियर दिस इज द पोस्टीरियर ठीक है ट इट चलो नाउ इफ यू आर आस्ड अबाउट सिमेट्री द ओनली क्वेश्चन दैट इज यूजअली आस्ड विल बी कैन यू टेल द ऑर्गेनिज्म और कैन यू टेल द फाइलम जिसमें द लार्वा इज बायोलैट्रली सिमेट्रिकल एंड द एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल वी नो दिस राइट राइट कौन सा ऐसा फाइलम जिसमें जो

Okay, and please write the important feature as in neat isme jo adult hai that is having a radial symmetry, and the larva is having a bilateral symmetry. Got it? Right? Okay. नहीं द आंसर इज एकाइनोडर्मेटा ओनली बिल्कुल भी नहीं भूलना है कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए ठीक है रिग्रेसिव मेटामेरिज्म इट इज नॉट मेटामेरिज्म बच्चा इट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस जो आपको मिलता है यूरोकॉर्डेटा में वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अंडर कॉर्डेटा नाउ कमिंग टू नॉन कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से क्या क्या एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं लेट्स अंडरस्टैंड ओके सो इन नॉन कॉ डेटा वी नो दैट देर आर इलेवन फाइलम्स दैट वी आर स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग अबाउट पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं हम ठीक है सबसे बेसिक फाइलम जो होता है जिन्हें पहले क्लासीफाई किया गया था इन प्लांट्स देन हम उनको लेके आए इन एनीमल किंगडम राइट सो एग्जाम्पल्स पॉरीफेरा से पूछे जाते हैं कैन यू टेल मी द फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज यस द ओनली एग्जाम्पल That is asked in examination is the freshwater sponge, right? So, freshwater sponge, kaun sa hota hai? Hmm? it is spongilla. So, please write this down, okay? So, I will write Porifera here, Porifera, likhna hai aapko, which is the first phylum that we learn in. नॉन कॉर्डिटा एंड डेफिनेटली इट इज स्पॉन्जिला में क्या पूछा जाएगा स्पॉन्जिलाज रिमेंबर दिस फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज इज शोइंग इंटरनल बडिंग इंटरनल बडिंग ये शो करता है विच इज टर्म्ड एज जम्यूल फॉर्मेशन ओके So, please write this down and please like the session. Like karna madhbulo. Okay, this is going to be a very informative session. So, Porifera me spongula is a freshwater sponge. They have choanocytes lining their seal and their canals, right? Ostea is there for the inflow of water, then the water comes in the seal and then the water will go out of the osculum. So, वो भी हमें बनाना है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ नीट सो दिस इज ऑस्कलम राइट देर आर पोर्स विच आर टर्मड एज ऑस्टिया ओके जिससे पानी अंदर आएगा द वॉटर विल गो आउट ऑफ द ऑस्कलम एंड दिस इज वॉट दिस इज स्पॉन्जो सील सो राइट इट डाउन प्लीज राइट

Which is termed as metagenesis and this is seen in one example. Can you tell me that example? Which is a favorite question of NEET. This Neat Bomber question hai and the answer is Obelia. So let's write this down. So Cnidaria, if we talk about it, Cnidaria, shows metagenesis in Obelia. In Obelia.

Isn't it which is termed as the Portuguese man of war? So this was the important example. Now coming to the next phylum. Agar dusre phylum pe Coming to the next phylum that is Tinophora. Remember, they have this unique property of bioluminescence and they are exclusively marine. So, next important question of neat. नीट का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर इज द एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम सो कैन यू नेम द एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम कौन सा है एंड रेदर आई वुड आस्क कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम कौन बताएगा पे अटेंशन टू दिस टर्म फाइलम ठीक है चलो कोई बताएगा टीनोफोरा यस yes, टीनो प्लेना इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा सो so, वन इज डेफिनेटली हम्म hmm, टीनोफोरा टीनोफोरा में होते हैं एट एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स याद रखना है एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल नहीं होते हैं दे शो दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बायोलिमिशेंस दे विल ग्लो इन द डार्क राइट सो वन इज टीनोरा नेक्स्ट फाइल मी एटली करेक्ट सो इट इजनोटाड बता दो अब तीसरा बता दो मुझे जल्दी से सो वन इज टीनोफोरा वेरी गुड वन इज एकाईनो डरमेटा आई वॉन्ट दर्ड वन एंड इज एंड दिस नीट एंड दर्ड वन इज हेमी कॉर डीटा hemicordata right hemicoordata bachcha ascalmins नहीं, it is hemicoordata got it now remember in the phyla annelida and arthropoda there are some major differences like when we talk about annelida they have closed circulatory system jab hum baat karte hain arthropoda ki they have open circulatory system एनिलीडा के ब्लड में यू विल फाइंड हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज बट ये नहीं होता है इन एकाइनोडर इन आर्थरोपोडा वाई सो बिकॉज दे डोंट नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन देयर ब्लड उनको चाहिए ही नहीं रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में क्यों नहीं चाहिए बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज थ्रू द ट्रैकिअल ट्यूब गॉट इट Right, So, they don't have this respiratory pigment in their blood. So, arthropoda kya blood they So, it is almost colorless or slightly yellowish in color or slightly greenish in color. Yes? Yeah. So, they have open circulatory system and hemolymph. Got it? Now, arthropoda, which is the largest phylum, the name itself is suggesting that their body is covered by chitinous exoskeleton. एंड आर्थ्रो मीनस ज्वाइंट एंड पोडा मीन्स लेग्स उनके पास होता है ज्वाइंट लेग्स यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अबाउट ग्रिगेरियस पेस्ट सो हुई हु इज ग्रिगेरियस पेस्ट एन आर्थरोडा कौन बताएगा हु इज ग्रिगेरियस पेस्ट इन आर्थरोपोडा क्वेश्चन ऑफ नीट सो इट इज लोकस्टा वेरी गुड इट इज लोकस्टा और अगर आपसे पूछा जाएंग्रोपोडा कौन है आंसर देन द लिविंग फॉसिल इन आर्थ्रोपोडा योर आंसर विल बी लिम्यूलस लिम्यूलस क्या है बच्चों लिम्यूलस इज किंग क्रैब ठीक है एंड रिमेंबर किंग क्रैब या लिम्यूलस में होते हैं बुक गिल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ कैसेज ठीक है सो दैट वॉज अबाउट द नॉन कॉरडेटा एंड द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन जस्ट हैव लुक टू दिस फ्लो चार्ट ओके यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड यू विल बी गेटिंग द नोट्स इन आर टेलीग्राम चैनल सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्लीज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे राइट

सो so, जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चन आर आस्ड विल बी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है ठीक है स्यूडोसिलोमेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एसकेलम्स फाइलम जर्म लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन वेरियस फाइलम्स डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ट्रिप्लो ऑर्गेनिज्म विद नो सीलोम और ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? सेगमेंटेशन यू विल फाइंड इन थ्री फाइलम्स एनिलीडा आर्थ्रोपोडा कॉडेटा नोटोकॉड आपको सिर्फ और सिर्फ कॉडेट्स में मिलेगा गॉट इट एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री

फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग तो ये रेड्यूला जो है आपको कहां मिलेगा इन द मोलस्का ओके सो प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन एज वेल एज डिन नीट ओके इट इज सीन इन मोलस्का सो आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर टिल नाउ इट्स ओके फॉर जिया Yes, so next we are going to study. So, this is a mind map for basis of classification and non-core data. So, let us understand what all questions will be asked in core data. So, when we talk about core data, remember they have this notochord. Core data hota hai notochord. ओके एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ देन कॉडेटा में क्या होता है नर्व कॉड दैट इज डोर्सल सो दिस इज अ क्वेश्चन नीट बॉम्बर क्वेश्चन ऑफ नीट सो इन कॉडेटा यू विल फाइंड नर्व कॉड एंड ये नर्व कॉर्ड कैसा है बच्चों ये नर्व कॉड होगा डॉर्सल ऑपोजिट टू द नॉन कॉडेटा हॉलो एंड सिंगल ओके सो इससे नॉन क्वारेटा में ऑपोजिट होता है सो नॉन कॉडेटा यू विल सी दैट द नर्व कॉड विल ऑलवेज बी वेंट्रल सॉलिड होगा डबल होगा बट कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड डॉर्सल होता है हॉलो होता है और सिंगल होता है गॉट डेट ये याद रहेगा अच्छा अभी क्वारेटा में नोटो

और वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा राइट नाउ इन द ए वर्टिब्रेटा यू विल सी टू ग्रुप्स वन इज यूरोटा एंड वन इज सिफेलो कॉर डेटा ये आर नो सो यूरोडेटा में होता है नर्व कॉर्ड ओनली इन द लार्वल टेल नो नोटोकॉड इन द एडल्ट दैट्स वाई दे आर शोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामोसिस उल्टा मेटामोरफोसिस हो रहा है इनमें सिफेलोकॉडेटा की बात करें सो दे हैव नोटोकॉड फ्रॉम हेड टू टेल एग्जाम्पल इज एम्फी ऑक्शिस सो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स बच्चों डोलीओलम डमैनिया एंड एसीडिया साल्पा भी लिख लेते हैं देर इज ओनली वन एग्जाम्पल इन से फेलो कॉडेटा जो आपको याद करना है एंड दैट इज जल्दी बताओ मुझे एम्फी ऑक्शिस या लैंसेलेट या ब्रैंक्यो स्टोमा राइट right? सो so, मैं यहां पे लिख देती हूं राइट गॉट इट नाउ अगर हम बात करें वर्टी ब्रेटा की तो याद रखो वर्टी ब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमैटा येस वेरी गुड सो एम फी ऑक्सिस को ब्रैंक्योस्टोमा या लैंस्लेट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज पॉइंटेड एट बोथ द एंड ना वर्टिप्रेटा की अगर बात करें तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू एग्नाथा ओके एंड गैथो स्टोमैटा राइट Agnatha, they will not have jaw that includes cyclostomata and gnathostomata matlab jinme hai jaw. So they include they include two group of organisms, one is pisces and another one is tetrapoda. सो टोमेटा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू पाइसेस इसमें आते हैं फिशेस एंड टेट्रापोडा गॉट इट ओके सो पाइसेस विल इंक्लूड ऑस्टिक थाइस कॉन्ड्रिक था एंड टेट्रापोडा विल इंक्लूड एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स मेमिलिया बट अब हमारा बात है कि कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे सो क्लासिफिकेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू ना वॉट ऑल क्वेश्चनिनेशन फ्रॉम कॉडेटा टॉक अबाउट दिस बट बिफोर गोइंग हेड फटाफट से हार्ट का आइकन दिख रहा है आपको फटाफट से हार्ट प्रेस कर दो और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को प्लीज लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ओके सो या That is Gnathostomata, including Pisces and Tetrapoda. So, first question. Thank you. Thank you, everyone. Punam. So, one question that is asked from Cyclostomata is anadromous behavior. Very good. Thank you, fazia. Anadromous behavior is actually when the organisms are living in the sea and going to freshwater for spawning or laying eggs. Okay. very nice thanks thanks herbert spencer you can tell me your name as well and uh, i definitely think that you will be benefited from my session मुझे लगता है कि आपके मार्क्स इसे इम्प्रूव होंगे एंड यू विल बी गेटिंग क्विक रिविजन नोट्स ओके सो कमिंग टू साइक्लोस्टोमेटा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सी से जाते हैं फ्रेश वाटर में एग ले करने के लिए स्पॉनिंग के लिए थैंक यू एवरी वन फॉर योर लव हाँ तो आप क्या आंसर दोगे ये क्वेश्चन था नीट का अब उसमें उन्होंने दिया था दोनों ऑप्शन दे गेव पेट्रोमाइजन ऑल्सो मिगजीन ऑल्सो नाउ कैन एनीबडी टेल मी वॉट यू आर गोइंग टू मार्क बोलो बोलो थैंक यू बच्चा सो यू आर बेंगोली नाइस लैम सी मंदिरा आई विल टेल यू यस एंड हर्बर्ट स्पेंसर ऑल्सो साइक्लोस्टोमैटा इज क्लास

फ्रेश वाटर में एग देने के लिए कौन जाता है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। राइट इट डाउन आज इन नीट ठीक है देर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। योर रिस्पॉन्स शुड बी क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है फ्रॉम पाइसेस यू नो ऑपरकुलम? ऑपरकुलम पता है गिल्सलिट्स

bony fish which is not there in cartilaginous fish. Yad hai. Next question is you will see that the cartilaginous fishes or chondric thighs, they show internal fertilization, no operculum, no air bladder, males have claspers okay for depositing uh, sperms in the body of female and their nitrogenous waste is urea सो ये कार्टिलिजिनस फिश ये बोनी फिश दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज इन नीट ठीक है नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल इन बोनी फिश एक्वेरियम स्पीशीज ऑफ फिशेज आर आज सो वॉट आर द एक्वेरियम एग्जाम्पल्स इन बोनी फिश दो ही है याद रखना है न इज बेटा दैट इज फाइटिंग फिश अनदर वन इज टेरो विच इज एंजल फिश सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है टेट्रापोडा यू विल सी दैट एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स एंड रेप्टीलिया इज आज सो टेट्रापोडा की अगर मैं बात करूं यहां से हाइला पूछा जाता है विच इज ट्री फ्रॉग फ्रॉगटीरिया से हेमीडेक्टाइलस पूछा जाता है हेमीडेक्टाइलस कौन है बच्चों वॉट इज हेमीडेक्टाइलस विच इज नॉन पॉइजनस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट सो इट इज द वॉल लिजर्ड सो हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड्स कैलोट्स में कन्फ्यूजन होता है कैलोट्स क्या है बच्चों यस वेरी गुड मंदिरा कैलोट भी लिजर्ट है कन्फ्यूजन होता है ना कभी लगता है कि तीन तरह के लिजर्ट दिए हैं हमारे इन में कौन सा वॉल है कौन सा गार्डन है और कौन सा ट्री लिजर्ड है कन्फ्यूज सो so, ये कंफ्यूजन को दूर करना है यहां पे लिख लेना है हेमिडेक्टाइलस इज द वॉल लिजर्ट कैलोड इज द गार्डन लिजर्ट एंड वेन यू विल बी लुकिंग इन द एनसीआर टी एक लिजर्ट बैठा है ट्री पे ब्रांचेस आर शोन सो दैट इज योर ट्री लिजर्ट कैमिलियॉन ओके सो कैमिलियन इज द ट्री लिजर्ट राइट अच्छा सो दो तीन एग्जाम्पल्स मैं और बताऊंगी आज डेन नीट

क्या है पावो यू ओपन योर पी वाई क्यूस एंड यू विल फाइंड दिस एग्जाम्पल सो पावो क्या है बच्चों पीकॉक है पीकॉक यहां पे लिख लो नेक्स्ट दैट इज एप्टिनो डाइट एप्टिनोडाइट एप्टिनोडाइट क्या है बच्चों पेंग्विन कई बच्चे तो पेंग्विन को एव्स में डालना है वो भी नहीं याद रख पाते हैं बट एप्टिनोडाइट इज पेंग्विन आपको याद रखना है देर आर सो मेनी किड्स येस पिकऑक वेरी गुड सो देर आर सो मेनी किड्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर नीड बट दे हैव दिस डायरेक्शन समटाइम्स दे आर सडिंग समथिंग दैट इज नॉट आज इन नीड दे हैव नेवर एनालाइज्ड दे आर पी वाई क्यूज किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है एन सी आर टी में कहाँ पर हमें ध्यान कम देंगे तो भी चल जाएगा सो दिस स्ट्रैटी यू नीड टू मेक मेक वाइल गोइंग अ हैड ओके सो या पैव ओ एन एप्टन ओर डाइट From mammalia, you will see the examples that are asked include ornithorhynchus, ornithorhynchus is egg laying mammal or platypus. Okay, ornithorhynchus is egg laying mammal or platypus. रिमेंबर नेक्स्ट दैट इज आज इज बैलिन ऑफ टेरा बैलिन ऑफ टेरा इज ब्लू वेल इज ब्लू वेल एंड द थर्ड लास्ट जो आपको याद रखना है वो है वो है फ्लाइंग फॉक्स सो कहते हैं बडी टेलमी ट इज द नेम ऑफ फ्लाइंग फॉक्स ये तीन अगर एग्जाम्पल आपने याद रख लिया है दैट इज मोर देन इनफे सो वॉट इज या फ्लाइंग है आपके फ्लाइंग वो बताओ टेरोपस yes. ये है आपका बैट सो so, इसके साथ ही आपका बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव माइंड मैप जो है तैयार हो गया है वेरी गुड वेरी गुड इट इज टेरोपस

कैलोड्स का की बोल चल कैलोड्स बच्चा कैलोड्स यू विल सी इज द गार्डन लिजर्ट सो हेमी डैक्टाइलस कैलोट्स एंड कैमिलियॉन दीज आर थ्री लिजर्ट्स वेर यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज सो हेमी डैक्टाइल्स इज वॉल लिजर्ट इमेजिन अ वॉल एंड दैट छिपकली जिससे आपको हमेशा डर लगता है मुझे तो लगता है भाई मेरे रूम में अगर छिपकली आ गई तो मुझे बहुत डर लगता है सो हेमी डेक्टाइल्स कैलोड्स अब उसका नाम मैं कभी नहीं भूलती कैलोट इज गार्डन रिजर्ट एंड द कैमिलियन इज द ट्री रिजर्ट एज इट इज सिटिंग ऑन द ट्री इन योर एनसीआर टी दट इट ठीक है ओके सो दट वॉज अबाउट कॉडेटा नाउ इट इज टाइम फॉर द क्वेश्चन आपको भी लगता है पूनम हा सारी लड़कियों को तो लगता ही है ओके सो इफ यू हैव अंडस्टूड हेयर आर सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हम आगे करेंगे लास्ट क्वेश्चन लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर होमवर्क जिसका आंसर आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन ओके गॉट इट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू रिप्लाई गॉट इट चलो यहां पे आ जाओ यस सो द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो आर एसोसिएटेड विथ आई टोल्ड यू द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी गुड हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम आपको नहीं लगता गितंजलि वाओ यू गाइज आर ब्रेव वेरी नाइस वेरी नाइस सो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन मतलब स्केल्स हैं एपिडर्मल स्केल्स हैं दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर बहुत अच्छा दे क्रॉल और क्रीप एंड दे हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्शन इज देर अभी तक तो हमें पता चल गया है कि क्या है इसका आंसर ए एबीसीडी सारे हम अगर स्टेटमेंट्स पढ़ लें जिसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है right so i will explain you that what you are going to reply and how you are going to save your time so we know the answer will be reptiles okay so whenever in your neat examination you are getting these type of questions you can see four statements are given but out of these four statements just one statement will give you the answer so you need not to see और रीड ऑल द अदर स्टेटमेंट्स सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम व्हाइल यू आर डूइंग क्वेश्चंस इन नीट जोआलॉजी में आप देखोगे 5 6 सात स्टेटमेंट्स लिखे होंगे इतना पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एक स्टेटमेंट से ही आपका आंसर आ रहा है डोंट रीड द अदर स्टेटमेंट्स एंड दिस विल कम विथ प्रैक्टिस ठीक है दिस विल कम विथ प्रैक्टिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेल रीडिंग द फर्स्ट लाइन इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है राइट right पूछा है रॉन्ग पूछा है ट्रू पूछा है फॉल्स पूछा है वो आप पढ़ोगे क्रॉलिंग क्रीपिंग पढ़ लिया यू विल मार्क रेप्टाइल्स गॉट इट सो इट वॉज ए नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू सी सो हियर वी हैव क्रोकोडाइल एंड वी हैव वन एव दैट इज पैंग्विन क्रोकोडाइल एक रेप्टीरिया है पैंग्विन इज अ बर्ड अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश सो क्रोकोडाइल एंड पैंगवीन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है फटाफट से आंसर करो क्रोकोडाइल में ऐसा क्या है पेंग्विन में ऐसा क्या है जो विच इज सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश रिमेंबर वेल इज अमल राइट डॉक फिश इज अ कार्टिलिजिनस फिश बर्ड पॉज हेज अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या ये सही है कमिंग गुड क्वेश्चन ना येस आई नो इट्स अ गुड क्वेश्चन अभी आपको आंसर करना है ले एग्स एंड गार्ड डेम टिल देच सब में थोड़ी होता है ऐसा पोज हेज बोनी स्केलेटिन क्या डॉग फिश में बोनी स्केलेटन होता है नहीं होता है खत्म बात ये भी नहीं है। हैव गिल्स लिट्स एट स्टेज सो ये किसका फीचर ये तो कॉडेटा का फीचर है सो कैन यू टेल मी द राइट आंसर कहा गया फॉर दिस क्वेश्चन कैन यू ट्राई दिस एलिमिनेट करते जाते हैं ना देखो ये तो नहीं है ये भी नहीं है वी हैव ओनली टू ऑप्शंस

डेटा में मैंने बताया इट इज हॉलो वी हैव रिटर्न इन आवर माइंड मैप सो दैट्स वाई इट इज नॉट देयर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू मैच द साइंटिफिक नेम एंड द कॉमन नेम्स फटाफट से मैच करके जल्दी जल्दी आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताना कम ऑन एवरी वन एवरी वन वॉचिंग द सेशन आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू रिप्लाई पेनाटूला पेन नाम से समझ में आ गया ओबीलिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर मेटाजेसिस सो या ओबिलिया इज सी फर ओरिल जेलीफिश यही पढ़ते हैं हम जेलीफिश का नाम वैसे तो और है लॉलीगो इज क्विड गॉटेड सो येस योर राइट आंसर विल बी ए गोटेड बी नहीं है बच्चा लोग जल्दी जल्दी मैच करो एन सी इट इज ए सो वायर व आई एम से साइंटिफिक नेम्स इम्पॉर्टेंट है बच्चो कॉमन नेम्स इम्पॉर्टेंट है बच्चो सो दे आर नॉट गोइंग टू आस ज सिंगल नेम देस लाइक दिस गॉट इट सो इसीलिए एनिमल किंगडम में साइंटिफिक नेम्स आर इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टन फिनोमिना इट एग्जिबिट फेरेटीमा वट इज सेक्शुअल डायम ऑफिजम सेक्शुअल डायमोरफिज्म मतलब वेन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी डिफरेंट अनाटमी एंड जस्ट बाय लुकिंग एट देम आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है तो फेरेटीमा क्या होता है फेरेटीमा होता है अर्थवॉम अर्थवॉर्म शो करता है क्या सेक्शुअल डायमोरफिजम नो मस्का कंप्लीट ओके सो बिल्कुल भी नहीं कैमिलियन कैमोफ्लैच एप्सुलूटली टीनिया पॉलीमोर्फिज नॉट एट ऑल सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन वेरी गुड कीप इट अप नेक्स्ट सो यू हैव सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड यू नीड टू मैच द एप्रोप्रिएट मॉर्फोलॉजिकल फीचर सो आपके पास है कुछ एनिमल्स के नेम एंड यहां पर है सेकेंड कॉलम में मॉर्फोलॉजिकल फीचर सो मार्क विच वन इज द करेक्ट वन यस स्कॉर्पियन स्पाइडर कॉकरोच क्या है ये दीज आर आर्थ्रोपोडा सो डू दे हैव अ वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सेकेंड ऑप्शन यू हैव कॉकरोच लोकस्टा टीनिया डू दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन थर्ड में है लिवर फ्लू सी एनिमोन सी लिखा है यहां पर बायलैटरल सिमेट्री एंड सेंटीपीड प्रॉन्सिन क्या उसमें सभी में ज्वाइंट एपेंडेज है सो so बच्चों ये नर्वस सिस्टम है जो यहां पर आना चाहिए होप यू हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी सो बच्चों स्कॉर्पियन स्पाइडर एंड कॉकरोच इन सभी में ये दे बिलोंग टू तो आर्थ्रोपोडा तो इन सभी में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा सॉलिड नर्व कॉर्ड होगा सेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा तो ये है हमारा करेक्ट आंसर ओके सो याद रखो फोर्थ में सेंटिपीड प्रॉन तो ठीक है सी अर्किन नहीं है भाई लिवर फ्लू सी एलिमोन ये सब अलग अलग फाइलम से हैं कॉकरोच, लोकस्टा टीनिया सोलियम इस फ्लैटफॉर्म उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है फॉल्स सेगमेंटेशन होता है सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज वन गॉट इट सो इट इज वन नॉट बी नॉट सी नॉट डी चलो फाइसेलिया फाइसेलिया नाइडेरिया है क्या नाम है फैसेलिया का पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर यह भी शो करता है मिता जेनेसिस देन वी हैव मियाड्रीना दिस इज अ स्टार क्वेश्चन ऑफ नीट ये याद रखना है आपको मियाड्रीना इज ब्रेन कोरल ब्रेन कोरल इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक योर ब्रेन आपके ब्रेन की तरह ही ये नजर आएगा ओके सो ब्रेन कोरल गॉर्गोनिया गॉर्गोनिया इज सी फैन एंड एडेम्शिया इज सी एनिमोन यस अभी फटाफट से मैच करके मुझे बताओ क्या होगा राइट आंसर है ना

चलो सो सिल्वर फिश इज लेपिजमा दैट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा तो ये फिश नहीं है ये आर्थ्रोपोडा है ठीक है स्कॉर्पियन इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा ड्रैगन फ्लाई इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा एंड प्रॉन्स आर ऑल्सो आर्थरोडा सो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी इज वन फीचर इटिनस क्यूटिकल एंड टू पेय ऑफ एंटीना टू पेयर्स ऑफ एंटीना होता है क्या नहीं ज्वाइंट एपेंडेज एंड काइटिन एग्जोसिटन सिफेलोथोरैक्स एंड ट्रैकिया तो सबसे पहले याद रखो स्कॉर्पियन में तो ट्रैकियल सिस्टम नहीं होगा ये इंसेक्ट नहीं है ठीक है थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स क्या सब में होते हैं याद करो प्रॉन्स इज देयर प्रॉन्स में नहीं होगा ट्रैकिल सिस्टम प्रॉन्स में क्या आपके पास थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स है क्या सिर्फ यस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर हिटिंग योर ब्रेन ना दैट्स व्हाट आई वांट ऐसे ही क्वेश्चंस मुझे चाहिए आप बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए नाउ जॉइंट ज्वाइंट एंड काइटनस एग्जोस्कैलिटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ वेन एवर यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस रिलेटेड टू आर्थ्रोपोडा रिमेंबर इन आर्थ्रोपोडा एक दो फीचर जो सभी में कॉमन होंगे वो है ज्वाइंट एपेंडेज एंड काइटनस एक्सोस्केलेटन तो आंख बंद करके आपको यही मार्क करना है कितने भी आपको आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल दे दिए आपको सोचने का ही जरूरत नहीं है जस्ट मार्क काइटनस एक्सोस्केलेटन एंड ज्वाइंट एपेंडेज खत्म राइट सो इट इज सी सो अगेन आई विल आस्क यू इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर नी ट्वेंटी ट्वेंटी आपका सही है येज आई एम लुकिंग ऑल द ऑप्शन दैट यू गाइज आर गिविंग मैं सबके आंसर्स देख रही हूं ओके सो यू कैन टेक एडमिशन इन आर नी ट्वेंटी फोर सक्सेस बूस्टर बैच ठीक है सो माई क्वेश्चन वॉज बच्चा मैंने यहां पे बताया आपको वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू हैव फ्रॉम आर्थ्रोपोडा टू कॉमन फीचर्स इन ऑल द आर्थ्रोपोड टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक है कोई भी आर्थरोपोडा है द टू कॉमन फीचर्स इन एवरी आर्थरो एंड काइटनस एग्जोस्केलेटन कॉट इट ज्वाइंट एपेंडेजेस एंड काइटनस एग्जोस्केलेटन सभी में होगा याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन चार ऑप्शन है आपके पास लुक एट द डायग्राम ए देख लो बी देख लो सी देख लो डी देख लो अब आंसर को बताओ मुझे थैंक्स नीर थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन आई एम रियली हैप्पी चार एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो मैच करना है जल्दी बता दो चलो देखते हैं ये तो एनसीआरटी में दिए हुए हैं एक्सेप्ट फॉर टॉर्पीडो बाकी तो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एनसीआर टी में सो ए इज पाइला और एप्पल स्नेल विच इज अस्का दिस इज बैलेनो ग्लॉसिस हेमिकोडेटा यस और नो क्वेश्चन मजेदार होंगे यू विल एंजॉय ग्लॉसेस लिखते हैं ठीक है हेमिकॉडेटा है ये ये क्या है सी वाला ये टोर्पीडो है एंड डी क्या है हम सबका फेवरेट प्लेटिपसनित तो रैंकस पहले तो ऑर्नितो रैंकस का स्पेलिंग याद करने में ही हालत खराब हो जाता था नाउ वी हैव बिकम प्रो है ना अब कोई बोलता है औरनिथो तो रैंकस लिख के बताओ तो हम फटाफट लिख देते हैं इज इंट इट जब हम पहली बार इलेवेंथ में पढ़े थे और तो हमें बहुत तकलीफ होता था लिखने में क्ट ऑप्शन विल बी पाइला बेलेनोग्लॉस स्टॉर्पीटो एंड ऑर्टो रैंकस सो इट इज ओके अच्छा आदर्श सर ने इतना एक्साइटेड होके इंट्रोड्यूस किया था uh, लेकिन सर का पहला क्लास कैंसल हो गया कोई बात नहीं बच्चा कोई बात नहीं सर की क्लास होती रहेगी एंड यू विल बी एंजॉइंग योर फिजिक्स फिजिक्स लेक्चर ऑल्सो आई होप यू ऑलरेडी एंजॉय इज इंटेड सो यस बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या था बी तो कैसा लगा आपको सेशन हा huh? कैसा लगा आपको सेशन यू कैन टेल मी इन द चार्टॉक्स बाकी के बच्चे प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इनकरेक्ट बताइए इनकरेक्ट ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहीं से ये क्वेश्चन है सो ट्राई दिस वन इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल इन एसिडिया नोटोकॉड यहां पर की वर्ड है ऑलवेज लुक फॉर की वर्ड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन क्विकली अगर आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको की पहचानने आने चाहिए क्वेश्चन से एसीडिया एक यूरोकोडेटा है और यूरोडेटा में तो लार्वल टेल में नोटोकॉड होता है यस yes. आगे बढ़ते हैं इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग फ्रॉग को हमने क्लासीफाई किया था इन वर्टिब्रेटा सो डेफिनेटली ये इसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा इट इज एबसेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये तो गलत हो गया ना अगर ये एबसेंट होगा तो हम कॉर्डेटा में क्लासीफाई होंगे कैसे नहीं होंगे सो दिस इज रॉन्ग ओके इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एन एम फी एम्फी ऑप्शन एक सिफेलो कॉडेटा है जिसमें लाइफ लॉन्ग नोटोकॉड प्रेजेंट होता है सो दिस इज रॉन्ग इनकरेक्ट पूछा था हमारा तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी यस इजी पीजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ गिवन बिलो आर लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सो कौन सा है करेक्ट मैचिंग पेयर ये बताना है अब बताओ सो वी हैव सिल्वर फिश स्कॉर्पियन सी स्क्वर्ट डॉल्फिन हम्म फिशेज लेपिजमा दैट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थरोडा में होता है ट्रैकअल सिस्टम दिस इज राइट स्कॉर्पियन में होता है बुक लंग्स दल्सो राइट सी स्क्वर्ड सी स्क्वर्ड बिचा इट इज अडेटा सो क्या सी स्क्वर्ड में फेरेंजियल गिल्सलेट्स होता है वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड इन आर जस्ट नाउ स्टडीड इन आर माइंड मैप्स हमने पढ़ा था कि सारे कॉडेटा को कॉडेटा हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव एन दे हैव देव गिल स्लिट्स, दे हैव पोस्ट एनल और हमने बोला था कि उनका जो नर्व कॉर्ड होता है दैट इज डोर्सल एंड हॉलो एंड सिंगल ठीक है नेक्स्ट है डोल्फिन क्या डोल्फिन में स्किन होता है एक्सेप्शन hmm, हो सकता है सो वैन वी टॉक अबाउट डोल्फिन डोल्फिन इज डिन बिलोंगिंग टू मेमिलिया क्लास ओके सो अगर हम किसी भी क्लास की बात करें रिमेंबर एक्सेप्शंस आर देर एक्सेप्शन आर देर राइट सो सिल्वर फिश में ट्रैकिया होता है स्कॉर्पियो में बुकलंग्स होता है जस्ट नाउ आई है कि सारे कॉडेटा में फेरेंजल गिल्सलिट्स होता है होता है दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड अंडर कॉडेटा तो ये भी होता है बट मेमेलिया में स्किन होता है विच इज कवर्ड बाय हेयर दैट वी नो बट एक्सेप्शन है मेमेलिया में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है एंड दैट इज द मेमरी ग्लैंड सो एवरी मेमेलिया एवरी मेमेलिया विल बी हैविंग अ मेमरी ग्लैंड विच इज हैविंग नो एक्सेप्शन बट बाकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन है Got it so yeah correct option will be a B and C and not D. Got it everyone, please give me a thumbs up if you have understood and you are enjoying the session. Or just like make sure you are liking also. Yes I answer very nice yes. Next question which of the following classes is incorrectly matched with its general characters? So try this. साइक्लोस्टोमैटा ऑस्टिक था रेप्टीलिया चार ऑप्शन है आपके पास में चार ऑप्शन है आपके पास में मेंटा लैक जॉ पेयर्ड फेंस एंड बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ठीक है आपको इनकरेक्ट बताना है सो साइक्लोस्टोमैटा में क्या प्लेकॉइड स्केल होते हैं इट इज प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थाइस ऑस्ट्रिकाइस फोर पेयर ऑफ गिल्स लेट्स कवर्ड विद ऑपरकुलम दिस इज एप्सोलूटली करेक्ट एंड ऑल दीज लाइन्स आर फ्रॉम एनसीआरटी रेपटीलिया टिम्पैनम रेप्रेजेंट इंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ओके ये भी सही है बच्चा लोग ये भी सही है एव्स एंडोस्केलेटन इज फुल्लीफाइड लाइन ऑफ एनसीआरटी एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज बिल्कुल सही एंड दीज आर टर्म्ड एज नोमैटिक बोन्स ये भी एकदम सही है ऑल दीज आर लाइन्स ऑफ एन सी आर टी सो ए भी सेकेंड भी करेक्ट है थर्ड भी करेक्ट है फोर्थ भी करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है इंटरनल होता है बेटा इंटरनल होता है ओके सो एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसीफाइड ओके This is a line of NCERT. आप क्या बोल रहे हो? Lack jaw and paired fins and body is covered by plecostyle scales. That is condracthys बच्चा लोग लोगे condracthys में होता है plecostyle scale. याद रखना है cyclostomata में नहीं इसलिए ये गलत है. Got it? Now any doubt, any confusion? This was a very good question directly taken from NCERT lines. कहीं भी गड़बड़ कर दिया तो गलत हो जाएगा ये question. ठीक <laughs> है? दिस वॉज ए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कॉर्डेट डिफर फ्रॉम नॉन कॉर्डेटा इन हैविंग बहुत ही अच्छा सिंपल सोबर नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा का क्वेश्चन है ओके बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा दिस वी हैव इवन डिस्कस्ड इन आर माइंड मैप्स देखो सो कौशिका इज सेइंग डी गीतांजलि सी हॉबर्ट स्पेंसर सी पर बच्चा लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं देखते कहाँ कंफ्यूजन है डॉर्सल नर्व कॉर्ड कॉडेट डिफर क्या अलग है कॉडेटा में डू वी हैव अ dorsal nerve cord? यस वी डू डू वी हैव अ हॉलो नर्व कॉर्ड हॉलो नर्व कॉर्ड है यस वी डू वी हैव अ वेंट्रल हार्ट यस वी हैव खुद को याद करो कॉडेटा जब भी पूछा जाए खुद को याद करो वेंट्रल हार्ट है आगे है पीछे थोड़ी है ये सो इट इज वेंट्रल हार्ट ओके यस वी हैव ओके सो दीज आर थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकोडेटा फ्रॉम नॉन कॉडेटा सो योर आंसर विल बी ए बी एन सी ऑल गोट इट So I hope your concepts are now getting clear. I hope all your concepts are now getting clear. Animal kingdom is a complicated chapter, but there are set areas from which the questions are asked in neat. There are certain areas where you are confused. There are certain examples where you uh, you tend to forget. Okay. So this session is overall session hai for animal kingdom. सिमिलरली ऐसे सारे सेशंस हम लेके आएंगे आपके लिए फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर नेक्स्ट सो वी हैव यूरोडेटा यूरोडेटा सिफेलोकॉडेटा हम कभी कभी ना उनको इग्नोर कर देते हैं वी फोकस ऑन वर्टिब्रेटा ओनली सो दिस इज हाउ क्वेश्चन आर आस्ट फ्रॉम यूरोडेटा ठीक है यस yes, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं गीतांजलि बट जो हमने समराइज किया है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं तो हम फोकस करेंगे उन पे ओके okay? जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में सो नोटोकॉड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन ऐसा यूरोडिटा में होता है क्या नहीं होता है दे हैव नोटो कॉड ओनली इन द लार्वल टेल नोटोकॉड इज प्रजेंट थ्रू आउट द लार्वल स्टेज एन एडल्ट लाइफ ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं होता है यूरो का मतलब ही है टेल नोटोकॉड इज प्रजल्ट स्टेज में तो होता ही नहीं है दैट्स वाई दे आर शोइंग नेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोस नहीं होता है सो नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज एप्सलूटली बस ये अगर आपको पता है ये अगर आपको पता है यूरोकोडेटा से अगर कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे ठीक है शॉर्ट शॉर्ट फोर मार्क्स है ये आपके लिए गॉट इट ओके 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 नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वॉज डी आगे बढ़ते हैं यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन Which one is uricotelic organism? Mammal, birds, fish, freshwater protozoans, bird, land reptile, insect, frog, toad. Come on, fast. See, 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 see. Uricotelic organisms excrete uric acid. Okay. Uric acid is excreted by birds, land reptiles. Insects. I will like to add one more example last in need, and that is land snails. sabi inko nahi bhulna hai. Okay. So land snails together with them exhibit uricotalism. Okay. Right? So yeah, correct option is birds, reptiles, insects, and land snails. So your answer is C. Got it? लैंडस्लेज़ भूल जाते हैं सब भूल जाते हैं पूछेंगे एग्जाम में याद नहीं आएगा पर एनसीईआरटी में दिया है ओके okay? चलो सो इट वाज सी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस रिलेटेड टू दिस यू माइट हैव स्टडीड इन एनसीईआरटी यू माइट हैव सीन इन पीवाईक्यूज देयर आर प्रोटोन एफ्रीडियास फॉर एक्सक्रीशन ज प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन कैन यू टेल मी प्रोटोनेफ्रीडिया किस में होता है फॉर एक्सक्रीशन गिवन इन योर एनसीआरटी बट नॉट इन एनिमल किंगडम चैप्टर एनिमल किंगडम में नहीं दिया है कहीं और जाके दिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देर एलिमिनेशन में दिया है नीट में पूछा जाएगा वी जस्ट राइट एनेलिडा राइट और प्रोटोनिफ्रीडिया फ्लेम सेल्स सो वी जस्ट राइट प्लेटी हेलमेंट्स कभी कभी हम बस प्लेटी हेलमेंट्स मार्क कर देते हैं तो या वन इज प्लेटी हेलमेंट्स वेरी गुड आई वॉन्ट मोर आई वॉन्ट मोर और किसमें होगा और किसमें होगा कौन बताएगा मुझे सो प्रोटोन आर फ्लेम सेल्स दीज आर फ्लेम सेल्स seen in platy -halmans. and rotifers very good mandira very good rotifers maine padhaya tha aur jab mere bacche answer karte mujhe bahut khushi hota hai yes rotifers and some annelida some annelida very good और एक बता दो last बता दो last बता दो एक और बता दो बता दो जल्दी बता दो

next question which of the following organism possess characteristic of a plant and an animal both euglena bacteria paramecium chordata definitely not a chordata obviously it is euglena which is a connecting link between a plant and an animal simple sa question tha it was euglena chaliye

Are present in C. flame cells, hne you will find in platyhalmins for osmoregulation and excretion and nephridia in an plates in tenophora Okay. So, with that we have revised all the five uh, phylums, and the correct option is definitely D. Okay. So, D. वेरी नाइस नेक्स्ट ऑर्गन लेवल माइंड मैप में मैंने बताया है सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें होगा निडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स का डिफरेंट बता दीजिए बच्चा याद रखो जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज द डिफरेंट बिटवीन निमैटोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट

इन्हें हम मार्क करेंगे टू फास्योला वेरी गुड नाइस सेल्यूलर एग्रीगेट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन पॉरीफेरा तो हम इसको जल्दी से मार्क कर देंगे स्पॉन्जीला से टिश्यू लेवल तो हमें मिलता है नाइडेरिया और टीनोफोरा में सो दिस इज हाउ क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सो हम जल्दी से मार्क करेंगे ओबिलिया एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम एनलीडा डेटा तक सो वी विल मार्केट फेरेटिमा गॉट दी पीजी जल्दी से एक up दे दो सभी सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी ओके एंड प्लीज फटाफट से लाइक कर दो लाइक कर दो जल्दी से और जो भी प्रिपेयर कर रहा है नी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए ओके okay? अच्छा ऑप्शंस आर रॉन्ग इट्स फाइन आई टोल्ड यू ना ठीक है नो वरीज तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है नीट 2024 के लिए वो ज्वाइन कर सकता है हमारा सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ग्रेड एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ राइट जहां मिलता है आपको लाइव क्लासेस डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंस्टेंट डाउट क्लैरिफिकेशन एंड टेस्ट सीरीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज जब हम टेस्ट देते हैं गलतियाँ करते हैं मिस्टेक्स करते हैं उन्हीं से ही हम सीखते हैं इज इट सो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइज आर ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उससे भी ज़्यादा जरूरी है द क्वेश्चन आर नीट बेस्ड ओके यस यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दुबई वाई नॉट वी हैव मेनी मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग गर्ल्स फ्राम गल्फ कंट्रीज बिल्कुल आप कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो क्लासेज आर ऑनलाइन ओके एंड वी आर टीचिंग लाइफ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज कॉमन बिटवीन अवर्थ वोमैन पेरी प्लानिटा पेरी प्लानिटा अमेरिकाना हमारा फेवरेट कॉकरोच है अर्थवर्म मुझे तो नहीं पसंद बट मे बी किसी को पसंद होगा सो so, अर्थवर्म जो है दैट इज़ फ्रॉम एने एंड आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक दोनों में कॉमन है बोथ हैव रेड कलर्ड ब्लड कॉकरोच में तो नहीं होता है दे हैव ट्रैक्यल सिस्टम उन्हें हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए आरबीसी भी नहीं चाहिए तो उनमें तो नहीं होता फार्मर्स को पसंद है वेरी गुड वेरी गुड ओके सो रेड ब्लड तो नहीं है बोथ पोजे एंटीना एंटीना कहाँ है में कहा एंटीना है कॉकरोच में है बोथ हैव मालपीजन ट्यूब्यूल नहीं भाई एक के पास तो नेफ्रीडिया है बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी वेरी गुड हमने पढ़ा था सेगमेंटेशन इज सीन इन एनिलीडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा So, both have segmented body, it is D. Got it? Yeah. Next question, what is the common in both Culex and Anophilus? Dono hai arthropoda, dono hai insect. Both sit obliquely while resting on a plane. Both have dark spotted wings. Both have three pairs of legs in which last pair is held in the air while sitting. Both lay eggs in the raft. Okay?

स्टिंगिंग कैप्सूल अब देखो कैप्सूल लिखा है सेल नहीं लिखा है नॉट सेल गॉट इट सो ये मेरा स्टार क्वेश्चन है जहां हमारे बच्चे गड़बड़ करते हैं एंड वेन यू आस्ड डी में क्या प्रॉब्लम है बोतले एग्स इन द राफ्स नहीं बेटा सारे राफ्स में जो है एग दोनों नहीं करते हैं दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है राइट right? चलो सो कैन यू टेल मी ये वाला बताओ निमेटोसिस नॉट सेल सेल नहीं है ये ये एक कैप्सूल है राइट right? जिसके अंदर भरा होता है टॉक्सिन एंड इट इज प्रेजेंट इन नाइडेरिया नाइडेरिया यहाँ पे क्या है सी पेन दैट इज पेनाचुला एंड सी फैन सी फैन क्या है बच्चों सी फैन इज गगोनिया गॉर्गोनिया इज द सी फैन ओके सो इट इज सी राइट सो आई विल बी रैपिंग अप माई सेशन सून लेट्स डिस्कस दिस लास्ट क्वेश्चन ओके इज इट ए सेल्यूलर नो बच्चा दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके सो सी पेन एंड सी फैन ओके सो कुछ लास्ट के क्वेश्चन है एंड बाकी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क में आई वॉन्ट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई विल बी शोइंग यू इन द कमेंट बॉक्स सो यू आर टॉकिंग अबाउट निमेटोसिस्ट या दैट इज नॉट अ सेल निमेटोसिस्ट या आई अंडरस्टूड दैट इज नॉट अ सेल बच्चा निमेटोसिस्ट क्या है एक कैप्सूल है वो पूरा एक सेल है जो नीडोब्लास्ट है ना दैट इज अ सेल इट सेल्फ स्टिंगिंग सेल एक सेल है उसके अंदर जो कैप्सूल है वो ए सेल्यूलर वो सेल नहीं है ठीक है वो एक मेम्ब्रेन बोल सकते हो मेम्ब्रेन ओके सी पैन एंड सी फैन एंड मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम नाइडेरिया बच्चा नाइडेरिया इट सो हिरोडीन इज सिक्रिएटेड बाय लीच हिरोडीन एरिया कैनल सिस्टम यू गेट इन पोरिफेरा दैट इज नीडो ब्लास्ट आर सिंगिंग सेल्स प्रेजेंट इन नाइडेरिया माफ कर देंगे हाइड्रा फेदर स्टार स्टार है इट इज एनो डरमेटा इंसेक्ट कौन है टर्माइट वॉट इट सो सिंपल सा क्वेश्चन था एंड योर आंसर इज सी सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आज इन नीट क्वेश्चन सिंपल होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे मैच करना डि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम ले लेता है दैट्स वाई जी पेपर जो है अभी लेंदी आ रहा है सिंस पास्ट टू ईयर्स सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ठीक है अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के आपको जो है प्रिपेयर करना है

काफ़ी सालों से मैंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी रिसर्च किया है काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया हुआ है आई अंडरस्टैंड योर नीड्स सो बी ए श्योर दैट यू आर इन द सेफ हैंड्स ओके बच्चा लोग अब आप बताओ कैसा लगा आपको हाँ एक्टिव है बिल्कुल एक्टिव है बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके आई नीड दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन माई सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास थैंक यू थैंक यू वेरी मच चलो बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद एंजॉय थैंक यू वेरी मच रियली रियली हैप्पी फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विज फाइलम बच्चा यहां पर ये देखो ये देख लिया ना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अभी सिलन टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंद पॉरीफेरा सुपर इंटरेस्टिंग थैंक्स मंदिरा थैंक यू हर्बर्ट स्पेंसर बच्चा ओके okay? थैंक यू चलो अब बताओ एक देख लिया ना एक्सक्लूसिवली मरीन फटाफट से मार्क कर दो टीनो फोरा हमने देखा है सिर्फ तीन ही सिर्फ तीन ही फाइलों में जो एक्सक्लूसिवली मरीन है बच्चों टीनोफोरा हेमिकॉडेटा दिया रियली इंटरेस्टिंग थैंक्स नीर थैंक यू वेरी मच स्विमिंग ओके सो इट इज टीनोफोरा तो आज मैं यहीं पे जो है हमारा सेशन खत्म करूंगी बहुत टाइम हो गया है मुझे पढ़ाते हुए और ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ So, इसके बाद के क्वेश्चन है आपके होमवर्क जिनका आंसर आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से आंसर लिख लो यस यस रिशव या सो ऑल दीज क्वेश्चन सो यहां पे आपको बताना है अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है कॉलम वन एंड कॉलम टू मार्क करना है राइट एंड द सेकेंड इज पाइला काइटन डेंटेलियम सीपिया ठीक है सो दीज टू क्वेश्चन आर योर होमवर्क ठीक है तो पाइला काइटन डेंटेलियम इनके कॉमन नेम्स बताने हैं गॉट इट चलो सो so, कल भी नहीं दिया नहीं आज दे दो आज तो आंसर दे दो बच्चा दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है जितने भी क्वेश्चन आपको इस पी में मिलेंगे इन द टेलीग्राम चैनल मेक श्योर यू आर आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ आफ्टर दिस सेशन ठीक अच्छे क्वेश्चन हैं थैंक यू और भी अच्छे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी रिमेंबर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देर विल बी अंटिक्विज ऑन सैटरडे ऑन एनिमल किंगडम उसके बाद वाला सेशन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेड ट्वेल्थ माइंड मैप्स प्लस क्वेश्चन मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग एंड कमिंग इन द क्लास ओके एंड मैं एकदम धमाकेदार सेशन चाहती हूँ सारे बच्चों ज्वाइन करो ठीक है हम मिल के जो है हमारे सारे चैप्टर्स परफेक्ट करेंगे इन जुआलॉजी माई टारगेट इज दैट यू गाइज गेट फुल मार्क्स इन जूलॉजी ठीक है वन एटी में से वन एटी लाना है ये मेरा टारगेट है एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है ओके विथ मी बाय बाय टेक केयर सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन